अब लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर एक पीसी बिल्ड किया हुआ था, जहाँ पर मैंने जो कैबिनेट यूज किया था ना, वो आता था पीसी कूलर डायमंड MA200 मैश, जो कि आपको मार्केट में 3000 रुपए के आसपास मिल जाता था। और टू बी ऑनेस्ट, जो लुक आपको वो प्रोवाइड करता है ना भाई, वो बहुत ही फैंटेस्टिक था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार इसके ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना तो बनता है, ताकि आप में से जिन लोगों के माइंड में जो डाउट है कि इस कैबिनेट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी कैसी है, क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेज हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करें और उसका आंसर दें। वेल, तो अगर आप भी इस कैबिनेट में इंटरेस्टेड है ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। अब पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर ना काफी सारे चेंजेस आए होंगे आपके स्टडीज में, स्पेशली अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो 10th और 12th के, तो आपको मालूम होगा कि आपका ना अब बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो दो टर्म पे होगा, यानी कि पहला टर्म नवंबर में होगा, दूसरा टर्म जो मार्च में होता है तभी होगा। तो अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लेकर आया है खास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th और क्लास 12th। अब ये जो टेस्ट होने वाला है वो 11 सितंबर को शाम 5 बजे होगा, जहां पर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके मैथ और साइंस पढ़ सकते हैं। अब इस टेस्ट में खास चीज ये है कि ये टेस्ट ना CBSE के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। आपको ऑल इंडिया रैंक डिटेल स्कोर कार्ड दिया जाएगा आप हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप पता कर सके कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो आप में से जो लोग 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा और मेरा अनलॉक कोड दिया हुआ है जो कि है गेम। तो अगर आप उसे यूज करते हो तो ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। और वही इनके साथ अगर आप दूसरे पेड सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो और मेरा अनलॉक कोड यूज करते हो, तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ यहां पर अब बात कर लेते हैं पीसी कूलर डायमंड MA200 मैश कैबिनेट के बारे में। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहां पर आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। बॉक्स में यहाँ पर आपको आपका कैबिनेट मिल जाता है और एक छोटा सा मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप इस कैबिनेट को देखते हो ना, तो देखकर ही समझ सकते हो भाई ये दिखने में काफी अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आप व्हाइट वेरिएंट लेते हो ना, तो यार दिखने में बहुत ही फैंटास्टिक लगता है। सबसे पहली चीज आप इस कैबिनेट में नोटिस करते हो ना, वो है इसका फ्रंट। फ्रंट में यहाँ पर आपको मैश देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल टॉप से स्टार्ट होती है और बिल्कुल बॉटम तक जाती है, जो कि आपको अच्छा लुक तो प्रोवाइड करती है, साथ में एयर फ्लो में भी काफी हेल्प आपकी कर देती है। बाकी कैबिनेट के टॉप पे आपको जो है रेडिएटर माउंट करने के लिए मैश देखने को मिल जाती है, ऊपर मैग्नेटिक मैश भी लगी हुई है। आप ऊपर साइड पे ना 240mm से लेकर 280mm तक का रेडिएटर आराम से माउंट कर सकते हो, और बगल में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत AIO और बटन भी देखने को मिल जाते हैं। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। वही इनकेस अगर आप 360mm का रेडिएटर यूज करना चाहते हो ना, तो वो आप कैबिनेट के फ्रंट साइड पे भी माउंट कर सकते हो, वहां पर आपको 360mm का रेडिएटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब एक बार जब यहाँ पर आप कैबिनेट का टेम्पर्ड ग्लास हटा देते हो, तो आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर काफी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर फुल साइज मदरबोर्ड भी आराम से लगा सकते हो, इनकेस अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम पीसी बिल्ड करने वाले हो। इवन इनकेस अगर आप वर्टिकल माउंट भी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कैबिनेट में वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। ग्राफिक्स कार्ड को आप वर्टिकल माउंट भी आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा इनकेस अगर आप इस कैबिनेट को लेते हो, तो इस चीज को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पीसी बिल्ड किया है, ताकि अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया जा सके। अब पीसी बिल्ड करते टाइम आप पहली चीज जो नोटिस करते हो ना, वो है इस कैबिनेट की क्वालिटी। इस कैबिनेट में जो मेटल शीट यूज किया गया ना बिल्ड करने के लिए, वो काफी थिन है, यानी कि अगर आप फिंगर से कस के दबाते हो ना, तो मेटल की शीट बेंड होने लगती है। हालांकि बहुत ज्यादा बेंड नहीं होती है, लेकिन स्टिल 3000 रुपए के हिसाब से क्वालिटी मैं मानता हूँ और भी बेटर हो सकती थी। बाकी यहाँ पर पीसी बिल्ड करते टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, यानी कि मदरबोर्ड माउंट करना, केबल्स को राउट करना, उन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप यहाँ पर आराम से अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो, उन सब चीजों में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वही आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भैया केबल मैनेजमेंट का क्या सीन है, केबल मैनेजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं केबल मैनेजमेंट करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बैक साइड में यहाँ पर आपको सफिशियंट स्पेस देखने को मिल जाता है, तो इनकेस अगर आप केबल्स को अच्छे से राउट नहीं करते या ऐसे जल्दी जल्दी में रैप कर देते हो ना, तो भी ये कैबिनेट आराम से सारी केबल्स को हाइड कर लेता है। थोड़ा बहुत टाइम दोगे और भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन केबल मैनेजमेंट ओवरऑल करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक यहाँ पर मुझे शिकायत है इस कैबिनेट में, वो है कि इस कैबिनेट में ना आपको कोई भी फैंस प्री इंक्लूडेड देखने को नहीं मिलता। इवन रेयर फैन तो यार एटलीस्ट एक देना चाहिए था, वो भी यहाँ पर नहीं दिया है। तो अब जो भी बंदा इस कैबिनेट के साथ जाता है, उसको एटलीस्ट फैंस पे तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फैंस के कैबिनेट के अंदर ना एयर फ्लो उतना अच्छा मेंटेन नहीं रहेगा। वो बात अलग है, आप फ्रंट में AIO लगा दो तो थोड़ा बहुत एयर फ्लो मेंटेन रहेगा, लेकिन फिर भी स्टिल
आपको एक फैन तो एग्जॉस्ट के लिए लेना पड़ेगा। तो 3000 रुपीज की रेंज में रहते हुए मैं मानता हूँ एटलीस्ट एक फैन तो प्री इंक्लूडेड देना चाहिए था। वही दूसरी तरफ अगर बात आती है एयर फ्लो की, तो यार मैं आपको बता दूं भाई, इस कैबिनेट में एयर फ्लो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैक साइड पे अगर आप एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हो ना, तो भैया एयर फ्लो यहाँ पर आपका तगड़ा मेंटेन रहता है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 3000 रुपए के हिसाब से ना ये कैबिनेट अच्छा है। आप में से जो लोग बहुत ही बजट में हैं और अच्छा गुड लुकिंग कैबिनेट लेना चाहते हैं, व्हाइट कलर वाला कैबिनेट लेना चाहते हैं, हालांकि इसका एक ब्लैक वेरिएंट भी शायद आता है, तो इस कैबिनेट के साथ आप लोग जा सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि आपको फैंस में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। वही आप में से जो लोग थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो, यानी कि 3500-3700 तक जा सकते हो ना, तो फिर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के कैबिनेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि MSI का हो गया, कूलर मास्टर का हो गया, वो लोग आपको इस प्राइस पॉइंट में अच्छे कैबिनेट विद फैंस के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो इन केस अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कैबिनेट का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जाकर चेक कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो हम तक देखने के लिए थैंक यू।